तो भाइयों नई वाली बलिनो है ये, इसके हम स्टेयरिंग कंट्रोल लगा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कंट्रोल ये वाले चेंज हो गए। इसके अंदर हमारा जो OEM फिट होता है कंपनी का, वो ही लगेगा यहाँ दोनों। तो बेसिकली हमने अपना स्टेयरिंग खोल लिया है और आप देख सकते हो फिटिंग हमारी इंस्टॉलेशन चालू है। कंट्रोल्स दिखा देता हूँ मैं आपको, इसके कंट्रोल्स जो हैं ये वाले हैं जो ओरिजिनल जो फिटिंग होगा, ये वाला कंट्रोल्स होगा जो हमारा ऐसे फिट हो जाएगा इसके अंदर। तो आइए फिटिंग देखते हैं हम, फिटिंग कैसे होती है इसकी। तो ये हमारा स्टेयरिंग तैयार हो चुका है, अब आप देख सकते हो इसके अंदर हमने OEM साइड बटन लगाए हैं, मोड लगाया है, जो हमारी फिटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। का जो पुराना पैनल था वो अभी ये निकल चुका है, अब आप देख सकते हो। तो आइए अब हम कार में फिट करते हैं इसको, दिखाते फिर आपको आगे। तो अब आप देख सकते हो हमारा स्टेयरिंग जो फिट होने आया है गाड़ी के अंदर। चलो आइए फिटिंग करते हैं इसकी। तो दोस्तों ये हमारा स्टेयरिंग कंट्रोल अब लग चुका है, अब आप देख लीजिए इसके अंदर हमारी OEM फिटिंग हो चुकी है। जो वॉल्यूम कंट्रोल है अब आपके सामने चल रहा है स्टीरियो के अंदर, मोड चल रहे हैं इसलिए, ये आप देख सकते हो। भैया आवाज़ सेट कर दो इसकी। हमारा ब्लूटूथ अटैच हो गया था। तो देखा आपने, कोई इसके अंदर अदर से कोई फिटिंग नहीं है, जो है कंपनी जेन्युइन फिटिंग है इसके अंदर। प्लीज़ सब्सक्राइब चाहे माय चैनल, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना।